मेरा नाम दत्तू भवन भोकनल, मेरा स्टेट महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट नासिक, मेरी पढ़ाई 10th क्लास तक हुई है। जब पिताजी एक्सपायर हुए तो फैमिली का पूरा जो भरोसा था तो हमारे ऊपर था, तो इस वजह से आर्मी ज्वाइन करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। आर्मी में आने से पहले एक महीने तक मैं पेट्रोल पंप पे काम करता था। मैं 24 आवर्स ड्यूटी करता था और 24 आवर्स रेस्ट करता था। मेरे पिताजी कुएं का काम करते थे। जब मैं 5वीं क्लास में था तब से मैं उनके साथ कुएं के काम में, खेत के काम में सपोर्ट करता था। तब से बॉडी थोड़ी थोड़ी हार्ड बन गई और जब रोइंग में आ गया तो नॉर्मल लगती थी रोइंग। मैंने रोइंग स्टार्ट की 2013 में। भर्ती होने के बाद मेरी हाइट, बॉडी वेट, लेंथ जो भी देखा उन्होंने और स्ट्रेंथ देखी, उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स में लेके आए। तो रोइंग में आने के बाद तो पता नहीं था रोइंग क्या थी, तो गांव में कभी इतना पानी देखा भी नहीं था। पहले दिन जब बोट में बैठे तो बोट पानी से हिलती थी, डर तो काफ़ी लगता था। बट जैसे कि पानी से बाहर आ गए, बेड पे सो गए, तो ऐसा लगता था बेड भी हिल रहा है पानी की तरह, ताकि नींद में भी ऐसा लग रहा था हम रोइंग कर रहे। अभी बिल्कुल ही डर नहीं लगता, आराम से रोइंग करता हूँ, जैसे मर्जी करनी कर सकते, हर स्टाइल से रोइंग कर सकता हूँ। 2013 में रोइंग स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने नेशनल 2014 में खेला। नेशनल में 2 गोल्ड लिए। एशियन गेम्स था 2014 सितंबर में, तो मैं डबल स्कल में था, तो मैं कोरिया में गया, उसमें मेरा 5th नंबर आ गया। 2015 में एशियन चैंपियनशिप चाइना में थी, तो उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया। तो एशियन एंड ओशियाना ओलंपिक क्वालिफाई रेगाटा था, तो क्वालिफाई हो गया, अपना एशिया में 2nd आ गया मैं। मेरा जो यानी कि ओलंपिक क्वालिफाई का टाइमिंग था तो 7:18 टाइमिंग था मेरा। हमारा 2012 का रिकॉर्ड था 7:04 का, तो इस साल 2016 में मैंने 6:54 टाइमिंग दे दिया, तो 7 मिनट से क्लोज कर दिया टाइमिंग मैंने, तो नया रिकॉर्ड चेंज कर दिया। जो ओलंपिक की रेस हुई थी मेरी लास्ट में, उसका मेरा टाइमिंग था 6:54 और क्वालिफाई राउंड में मेरा टाइमिंग था 7:18। जो वर्ल्ड का अपना न्यूजीलैंड टॉप की कंट्री चल रही है रोइंग में, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं 10 सेकंड उनसे पीछे हूँ। जब अप्रैल में जब मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया तो मैं 36 सेकंड उनसे पीछे था, तो मैंने 26 सेकंड तोड़ के तो मैं 10 सेकंड उनसे थोड़ा दूर रह गया ओलंपिक मेडल से। मैं जो इवेंट खेलता हूँ रोइंग का, तो ये इवेंट है सिंगल स्कल। बोट का वेट होता है 14 kg, इसके अंदर बंदा 100 kg तक बैठ सकता है। डबल स्कल वाली बोट होती है, उसका बोट तो वेट 28 kg होता है, और उसमें 80-90 kg के दो बंदे प्लेयर बैठ सकते हैं। इंटरनेशनल जो कंपटीशन होता है वो डायरेक्ट 2 किलोमीटर का होता है। वर्ल्ड रोइंग का फेडरेशन होता है वो ज़्यादातर 3 रेस में फाइनल करता है, उस मुताबिक मेडल दिया जाता है। वैसे तो मैं दोनों तरफ ही देश की सेवा समझता हूँ। अगर स्पोर्ट्स में भी चाहूँ तो देश सेवा होती है, देश की तरफ से खेल रहा हूँ। अगर आर्मी में भी हूँ तो देश की तरफ से ड्यूटी दे रहा हूँ, देश के लिए दे रहा हूँ। सभी ने देख लिया दत्तू क्या है और रोइंग से टच है, रोइंग का प्लेयर है एक ओलंपिक का, तो ओलंपिक के साथ अपना नाम जुड़ गया, और क्या चाहिए, यही काफ़ी खुशी मिलती। अभी जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो प्रैक्टिस के दौरान 9 दिसंबर को मॉम एक्सपायर हुई, और 5 दिसंबर को पिताजी एक्सपायर हुए। अभी तो माँ भी है, तो अपनी धरती माँ, उसी को मैं माँ समझता हूँ, और जो भी करूँगा इंडिया के लिए करूँगा, और मेडल लाऊँगा तो इंडिया के लिए लाऊँगा। अगर यही सपोर्ट 2020 तक मिले तो हम इंडिया के लिए मेडल लाएंगे, और आगे की जो बात है फिर मेडल के बाद ही आपसे करेंगे।